सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। लोकसभा चुनावों को लेकर प्रदेश में 12 मई को मतदान होना है, जिसे लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया। हरियाणा के एडीजीपी नवदीप विर्क ने MH1 न्यूज से खास बातचीत की और बताया कि राज्य में संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों की जांच कर ली गई है और वहां पर पैरामिलिट्री फोर्स की एडिशनल कंपनी तैनात कर दी गई है। मतदान को बहुत कम समय बचा है। हरियाणा के अंदर क्या क्या पुलिस और प्रशासन की तरफ से प्रबंध किए गए हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क। उनसे चर्चा करेंगे कि कानून व्यवस्था को किस तरह से नियंत्रित किया जाएगा और पुलिस की तरफ से क्या प्रबंध किए गए हैं। विर्क साहब, कितनी पुलिस फोर्स चुनावों में लगाई जाएगी लोकसभा के, और उसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेज की अगर बात की जाए तो कितनी कंपनियां आपको मिल चुकी हैं और कितने की डिमांड है? देखिए, टोटल अभी तक करीबन 66,000 से 67,000 तक पुलिस फोर्स और पैरामिलिट्री कंपनीज, होमगार्ड्स, ये सब ड्यूटी पे लगाए जा चुके हैं। हमें पहले 65 पैरामिलिट्री कंपनीज मिली थी, लेकिन बाद में हमने रिक्वेस्ट करके अब 30 और ले ली हैं। तो अब हरियाणा में 95 पैरामिलिट्री कंपनीज हैं, और अगर हमारी 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज माने तो एवरेज एक से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी पे आती है, और हमने जो सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें हमने एक से ज़्यादा भी उपलब्ध कराई है। तो जो फोर्स की रिक्वायरमेंट थी हमारी काफ़ी अच्छी है, और अब बहुत सभी जगह पे, खासकर जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव लोकेशंस हैं, उसको हमने प्रॉपरली फोर्स से कवर कर लिया है। संवेदनशील और अति संवेदनशील की अगर चर्चा की जाए तो ऐसे कौन कौन सी जगह हैं, जिले हैं, जिनको आप अलग पैमाने से देख रहे हैं या जिला प्रमुखों की रिपोर्ट आई है इस बारे में? देखिए, इसमें जो डिस्ट्रिक्ट्स मैं बात करूंगा, सोनीपत है, झज्जर है, रोहतक है, भिवानी है, दादरी है, जींद है, तो इन कुछ जिलों से खास रिपोर्ट्स आई हैं, तो उसको हमने इन जिलों को एडिशनल फोर्सेस उपलब्ध कराई हैं। और इसके अलावा हिसार से भी रिपोर्ट आई थी, तो वहाँ पे भी हमने हिसार, हांसी, सिरसा, यहाँ पे भी हमने एडिशनल फोर्सेस अवेलेबल कराई हैं। हरियाणा ने पिछले 2.5-3 साल में काफ़ी ज़्यादा तनाव में स्थिति देखी है। जाट आरक्षण को देख लीजिए, या उसके अलावा अगर देखिए राम रहीम वाला मामला पंचकुला में हुआ, तो इन सारी परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा के अंदर चुनाव शांति में हो, इसके लिए क्या कड़े प्रबंध किए गए हैं ताकि लोग किसी तरह से कोई भयभीत ना हो? देखिए, इसके लिए हमने प्रॉपर प्लानिंग के साथ और मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स बनाए हैं, ताकि अगर एक लेयर फेल भी हो जाए तो दूसरी लेयर वहाँ पे उपलब्ध रहे। सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई है, सीनियर ऑफिसर्स ने मौके पे जाके रिव्यू भी किया है इलेक्शन अरेंजमेंट्स को, और मैं नहीं समझता कोई कमी है। हम पूरी तरह तैयार हैं और हम प्रतिबद्ध हैं एक सेफ इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए, और हम पूरे कॉन्फिडेंट हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा। विर्क साहब, क्योंकि दो डेरों की वजह से हरियाणा के अंदर काफ़ी स्थिति बिगड़ी थी, चाहे संत रामपाल का डेरा हो या राम रहीम का डेरा हो, अगर इनकी विशेष रूप से चर्चा करें, राजनीति में इनका बहुत ज़्यादा मतलब एक दखलंदाजी रहती है, विशेषकर पिछले एक दशक से, क्योंकि राजनीति आपका सब्जेक्ट नहीं है, कानून व्यवस्था से रिलेटेड बात करूँगा, तो इसको लेकर आपकी क्या तैयारियाँ, इन डेरों पर क्या चौकसी, क्या निगरानी, क्या दृष्टि रखी जा रही है? देखिए, इसके इस संबंध में हम कोई ऐसी खास जो है थ्रेट हमारे को नहीं इस तरह की लग रही है कि डेरा स्पेसिफिक इलेक्शन में कोई थ्रेट हो। फिर भी जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो अपना अरेंजमेंट किए हुए हैं, जो कंसर्न बूथ हैं, बूथ में कोई अगर सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव कोई बात है तो उसके हिसाब से वहाँ फोर्स लगाई जा रही है। अपने पड़ोसी राज्यों की बात करें, क्योंकि हरियाणा जो है 3-4 जिलों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने जिले हैं, कोई पंजाब, कोई हिमाचल, कोई उत्तरांचल, कोई राजस्थान और कोई दिल्ली के साथ सटा हुआ है, यहाँ से चुनावों को, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है, शराब, पैसा और असला, इस तरह की चीज़ें ना आ पाएँ, इनके रोकथाम के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं? इसके लिए जो इंटरस्टेट बॉर्डर नाकाज हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुलिस भी इसमें फोर्स लगा रही है, और जो साथ के राज्य हैं हमारे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे नाकाबंदी करें, और पोलिंग से एक दिन पहले से ये नाकाबंदी स्टार्ट हो जाएगी और हम सख्ती से बॉर्डर्स को सील कर देंगे। इन चुनावों के अंदर अगर देखा जाए तो पुलिस की तरफ से क्या CCTV कैमराज और ड्रोन्स वगैरह या कुछ और जो हाईटेक चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल किया जाएगा? देखिए, इलेक्शंस में तकरीबन फोर्स की जो मौके पर जो प्रेजेंस है वही सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसके अलावा जहाँ पे भी वीडियोग्राफी की एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो हम वीडियोग्राफी का अरेंजमेंट कराएंगे, और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस की तरफ से वेबकास्टिंग, माइक्रो ऑब्जर्वर्स, इन सब की भी अरेंजमेंट की गई है। मतदान होने के बाद मतगणना तक, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम है बीच में, तो EVM मशीनें जो हैं उनकी सुरक्षा के लिए क्या प्रबंध रहेंगे?
तो हमारे 90 जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए 38 लोकेशन पे ईवीएम स्टोर होंगे। उनके लिए सबके लिए थ्री टीयर सिक्योरिटी है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और हरियाणा आर्म्ड पुलिस की अलग अलग टीयर की सिक्योरिटी होगी। इसके अलावा राउंड द क्लॉक सीसीटीवी कवरेज और वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसरों का विजिट, इस तरीके से हम इसको कवर करेंगे और 23 तारीख तक इसको सेफ रखेंगे। तो ये हरियाणा के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क, जिनका कहना है कि शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण चुनाव करवाने के लिए आम जनता को एक मजबूती मानसिक रूप से देने के लिए पुलिस पूर्णतया तत्पर है तथा हर तरह के कड़े प्रबंध पुलिस की तरफ से किए गए हैं, किसी प्रकार से कोई लोभ डर दबाव ना पड़े इसके लिए भी पुलिस की निगाह बनी रहेगी। कैमरामैन अमर सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, MH1 न्यूज, पंचकुला।